गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 मैथ यूनिट 3 एक्सरसाइज 3.4। हमारे पास जो हमने इसका फर्स्ट क्वेश्चन था वो लास्ट टाइम पढ़ लिया है। हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो एलिमिनेशन मेथड। उस मेथड में हम सिंपली सब्स्ट्रैक्ट करते हैं और चेक करते हैं कि वो उससे एक्स वैल्यू निकलती है या नहीं निकलती। तो आज हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे। हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट का क्वेश्चन रहता है, ये फ्रैक्शन बेस है। लिखा है, इफ वी ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द डिनोमिनेटर अ फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1 वी कम 1/2। इफ वी ऐड 1 टू डिनोमिनेटर व्हाट इज द फ्रैक्शन। तो हमारे पास क्वेश्चन लिख लिया है। हम पहले लिखेंगे लेट द डिनोमिनेटर, लेट द डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर, तो वो आ गया एक्स और वाई। तो जो एक्स है एंड वाई है, y x मान लेते हैं, y x बता दें क्यों माना हो। तो द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन तो n की वैल्यू ऊपर आएगी तो वो x मानेंगे। हर बार वही मानते हैं, तो x y को चेंज कर दिया हमने y x लिखा, तो y डिनोमिनेटर होगा और x डिनोमिनेटर होगा। तो हमारे पास कंडीशन सब दो रह गए। हम पहले डिस्कस कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसमें हमारे पास लिखा है, इफ वी ऐड 1 टू डिनोमिनेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर। अगर हमने 1 ऐड किया तो हमने 1 सब्ट्रैक्ट भी कर दिया और वो जो उसका आंसर आता है वो बिकम टू 1, तो वो 1 के बराबर आ जाता है। हमारे पास अब जो दूसरा जो पार्ट रहेगा उसमें सिर्फ ये वाला पहला क्या फर्स्ट इक्वेशन मान, जिसके बाद दूसरा रहेगा उस दूसरी लाइन में लिखा है इफ बिकम 1/2। अगर आंसर किसी का 1/2 आता है तो हमारे पास जो हम ऐड करेंगे तो ओनली टू द डिनोमिनेटर, हमें अब डिनोमिनेटर में ही ऐड करना है। डिनोमिनेटर में ऐड कर दिया, दैट इज इक्वेशन नंबर 2, एक्स इक्वल्स टू वाई अपॉन। तो हम सॉल्व कर रहे हैं, हम लिखेंगे फ्रॉम वन। तो 1 को अगर सॉल्व किया तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो आ जाएगा एक्स प्लस वन इक्वल्स टू वाई माइनस वन। वाई साइड को तो एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस वन, ये भी माइनस का, तो एक्स माइनस वाई माइनस टू, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई है। अब मुझे 2 सॉल्व करना है, फ्रॉम 2, फ्रॉम 2। जब हम ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो 2 की मल्टीप्लाई x होगी, तो बनेगा 2x इक्वल्स टू इस साइड को आ गया y प्लस 1, तो 2x माइनस y इक्वल्स टू 1, इक्वेशन नंबर 4 आ गया। तो अब हमें सब्सट्रैक्ट करना है, हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 और 4 है, पर जो इक्वेशन नंबर 3 है उसमें यहां पे x है, यहां पे 2x है, बट y में दोनों साइड 1/1, तो डायरेक्ट मैं सब्सट्रैक्ट कर सकता हूं। तो मैं लिखा सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 3 माइनस 4 ले गया। दोबारा से एलिमिनेशन मेथड लगाया तो हमारे पास 3 थी
x minus y equals to minus 2 and 2x minus y equals to 1. तो ये वाला रेस कर देता हूँ मैं. ये क्या तो माइनस प्लस माइनस 2x से जब x किया तो x माइनस का ये कट गया, माइनस का 3, x की वैल्यू 3 आ गई है, x की वैल्यू 3 आ गई. अब मुझे जो x की वैल्यू 3 आई वो पुट करनी है y यहां, तो मैंने लिख दिया पुट द वैल्यू ऑफ x इन 3. हमने 3 में पुट की तो आ गई 3 माइनस y इक्वल्स टू माइनस का 2, माइनस का y बचा माइनस y माइनस 3 माइनस 5 कट के y प्लस y इक्वल्स टू 5. तो जो फ्रैक्शन बना वो 3/5. ओके, हमारा इसी के साथ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बढ़ रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 2x का पार्ट रहेगा, सेकंड पार्ट हमारा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है. उसमें लिखा है फ्रॉम 5 ईयर एगो न्यूरी वाज थ्राइस ओल्ड एज सोनू, 10 ईयर लेटर न्यूरी विल बी ट्वाइस ओल्ड एज सोनू, हाउ ओल्ड आर न्यूरी एंड सोनू. दो पर्सन है हमारे पास, एक न्यूरी और एक सोनू. दोनों की एज मान लेंगे दैट द प्रेजेंट एज ऑफ दैट द प्रेजेंट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी. फ्रैक्स और द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू. तो उसके बाद 5 ईयर है वो, 5 ईयर्स है वो. तो 5 साल पहले क्या हुआ, दोनों की एज क्या होगी, एज ऑफ दूरी क्या थी एक्स माइनस 5 एंड एज ऑफ सोनू. सोनू क्या आ गई y माइनस 5. तो दोनों की एजेस आ गई. उसके बाद जो लाइन लिखी है वो लिखी है नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू. तो ये 10 ईयर लेटर के लिए था और 5 ईयर एगो के लिए नूरी इज वाज थ्राइस ओल्ड एज सोनू. तो हमारे पास आ जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो हम लिखेंगे अब हियर एक्स माइनस 5 तो थ्राइस था 3 से मल्टीप्लाई 5 तो एक्स माइनस 5 3y माइनस 15 3y साइड को एक्स माइनस 3y माइनस 15 ये प्लस का क्या 5 तो बचा क्या एक्स माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस का 10. दैट इज इक्वेशन नंबर 1. हमने इक्वेशन नंबर 1 निकाल ली है. हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई एक्स माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10. अब 10 ईयर लेटर लिखेंगे लिखा था उसने लेटर में जो नूरी विल बी ट्वाइस ओल्ड एज सोनू. 10 ईयर लेटर है तो मुझे 10 था प्लस बाद में, तो हमने बाद में निकाल लिया
अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के बाद वो ट्वाइस था, तो ट्वाइस के लिए टू से मल्टीप्लाई एंड देन तो आ गया एक्स प्लस टेन माइन प्लस 22y और 20, तो x माइनस 2y 20 माइनस 10, तो x माइनस 2y 10 है इक्वेशन नंबर 3। तो जो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन थी वो थी x माइनस 3y माइनस 10, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 था जो पहले था। अब हम दोबारा सॉल्व करेंगे, मुझे x और y की वैल्यूज निकालने हैं। यहाँ सिंपल सा दिख रहा है, फर्स्ट इक्वेशन पे x भी 1 है और a 1, तो सब्सट्रैक्ट, ये क्वेश्चन नंबर 2 था, सब्सट्रैक्ट 2 माइनस 3 वी गए, हमने दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दिया तो क्या आएगा x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस का 10 x माइनस 2y इक्वल्स टू 10, तो माइनस प्लस माइनस y माइनस का और ये 20, y की वैल्यू 20 आ गई, y की वैल्यू कितनी आई 20, y की वैल्यू 20 आई, तो हम सॉल्व कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में, लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन 2, अगर y की वैल्यू इसमें डाली तो 3 मल्टीप्लाई 20 इक्वल्स टू माइनस 10 हो गया, x 60 माइनस 10, x इक्वल्स टू माइनस का 10 प्लस का 60, तो x की वैल्यू हमारे पास 50 आ गई, हमने दोनों आंसर्स निकाल लिए, हमारे पास x की वैल्यू 50 आ गई। हमारा क्वेश्चन इसी के साथ सॉल्व हो गया, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं सेकंड का थर्ड पार्ट। तो सेकंड का थर्ड पार्ट है, हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, लिखा द सम ऑफ डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, आल्सो 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट फाइंड द नंबर। तो इस क्वेश्चन में हमें एक यूनिट डिजिट मानना है, एक 10 डिजिट मानना है, हम लिखेंगे लेट लेट यूनिट डिजिट नंबर, अगर यूनिट डिजिट x माना तो 10th डिजिट is it y required number 10x plus y, जो required number आ जाएगा हमारे पास वो आएगा 10x plus y, और हम साथ में रीअरेंज भी कर लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा 10x प्लस y, तो हम अब रीअरेंजिंग वाला लिख लेते हैं, तो अगर रीअरेंज किया तो न्यू नंबर आ जाएगा 10y प्लस y, उसमें लिखा है कि हमें दो नंबर्स निकालने हैं, तो हमने उस टाइम क्या किया उल्टा कर दिया, 10th प्लेस को x माना और यूनिट प्लेस को y, तो हमारे पास दो नंबर्स आगे रीअरेंज हो गए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट करेंगे अब हम, जो हमारे पास फर्स्ट जो कंडीशन रहती है वो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो उन दोनों नंबर्स का जो सम आता है वो 9 है, तो लिखा है क्वेश्चन में सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, तो सम किस आया 9 आ गया। अब हम
हम इसको सॉल्व कर देंगे, हमारे पास आ गया 90y + 9x वाला 20x + 2y, तो x वाले एक साइड, y वाले एक साइड, तो ये गया 20 पहली साइड को, 9x + 20 और प्लस का 90y था, माइनस का क्या आ गया 2y, इस साइड जीरो बचा, तो इन दोनों को सॉरी ये माइनस का 20 साइड गया तो माइनस का, हमारे पास आ गया 11x माइनस की और प्लस ये क्या तो 88y। अब हम 11 कॉमन निकालेंगे, साथ में माइनस भी निकाल लिया, तो x - 8y = 0, यहां से 11 11 11 88, माइनस बाहर निकाली तो आ गया x - 8y = 0, दैट इज इक्वेशन नंबर 2, और इसको 1 मान लिया था, तो डायरेक्ट दिख रहा है हमें सब्सट्रैक्ट करना है 1 को 2 से, सब्सट्रैक्टिंग 1 - 2 वी गेट, हमने यहां पे 1 को 2 से माइनस किया तो हमारे पास आता है x + y = 9 एंड x - 8y = 0, माइनस x कट गया, 9y = 9, तो जो y की वैल्यू आ गई यहां राइट कर, y की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू क्या आ गई 1। अब जो y की वैल्यू 1 आई वो मैंने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दी, इक्वेशन नंबर 1 तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन 1, मैंने लिख ली 1, तो x + 1 = 9, x = 9 - 1 = 8, हमारे पास x की जो वैल्यू आ गई वो 8 आई, तो रिक्वायर्ड नंबर आएगा, तो हमने मानी पहले रिक्वायर्ड नंबर, तो हमारे पास था 10y + x, तो 10 × 1 + 8 दैट इज 8, हमारा फर्स्ट जो आ गया वो 8 में है, हमारा क्वेश्चन इसी के साथ खत्म होता है, थैंक यू।